She's not. She won't bear to leave. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हॉस्टल फीस का मुद्दा रविवार को बड़ी हिंसा में तब्दील हो गया। डंडे, रॉड, हॉकी, पत्थर के साथ बाहर से आए हमलावर रविवार को यूनिवर्सिटी कैंपस में नजर आए और करीब 5 घंटे तक स्टूडेंट के साथ जमकर मारपीट की। जेएनयू स्टूडेंट यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट आयशा घोष समेत कई स्टूडेंट और टीचर तक पर हमला हुआ। सिर, हाथ, पैर की गंभीर चोट के साथ कई स्टूडेंट को ट्रामा सेंटर और सफदरजंग ले जाया गया। स्टूडेंट का आरोप है कि इस दौरान देरी से पुलिस कैंपस में पहुंची। इस हिंसा में जेएनयू की प्रेसिडेंट आयशा घोष के सिर पर गंभीर चोट आई है। खून से लथपथ आयशा ने कहा, मास्क लगाए गुंडों ने बुरी तरह से मुझ पर हमला किया। आयशा के अलावा जेएनयू की टीचर सुचारिता शुक्ला और कई स्टूडेंट को काफी चोट आई है। स्टूडेंट ने बताया कि करीब 4 बजे वे शांति से प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसमें कुछ आम स्टूडेंट घायल हुए। इसके बाद साबरमती टी पॉइंट पर स्टूडेंट ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। लड़कियों के हॉस्टल में घुस गए हमलावर। यहां जेएनयू टीचर एसोसिएशन ने शांति मार्च की अपील की, मगर शाम करीब 6 बजे अचानक यहां बड़ी तादाद में मुंह को कवर किए लोग मार्च में घुस गए। उनके हाथों में डंडे, हॉकी और रॉड थे। उन्होंने स्टूडेंट और टीचर को जमकर पीटा। उनका आरोप है कि वे एबीवीपी के कार्यकर्ता थे। स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप की चैट भी शेयर की है, जिसमें कैंपस में घुसने और स्टूडेंट लीडर को पीटने का प्लान बनाया गया है। स्टूडेंट यूनियन का आरोप है कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट पर रॉड, डंडे, पत्थर से हमला किया। जेएनयू में हॉस्टल फीस बढ़ोतरी को लेकर अक्टूबर से हड़ताल चल रही है। यूनिवर्सिटी की ओर से 2 बार फीस घटाई गई है, मगर यूटिलिटी चार्ज और सर्विस चार्ज में कमी नहीं की गई है। इस मामले को लेकर स्टूडेंट ने दिसंबर में सेमेस्टर एग्जाम का भी बॉयकॉट किया। वहीं वीसी प्रोफेसर जगदीश कुमार ने स्टूडेंट के नाम लेटर लिखकर कहा कि जनवरी में शुरू होने वाले सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन 5 जनवरी तक कर लिया जाए। इनका विरोध स्टूडेंट यूनियन ने किया।